क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए बोर्ड के अंदर आपके अक्सर ये पूछा जाता है क्वेश्चंस कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही सरल है और इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक ही तरीका है सब में लिखने का, चाहे यहाँ संख्या कोई भी बदल बदल के आए, आप एक ही तरीका अपनाएंगे इसको सरल करने का। और मैं यहाँ जो बताने वाला हूँ बहुत ही सरल तरीका है आपको किस ढंग से लिखना है। सबसे पहले देखिए जो संख्या पूछी गई है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको पहले मानूंगा परिमेय संख्या, मैं इसको मान के चलूंगा कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या। और यदि मैं ये प्रूव नहीं कर पाता हूँ कि ये परिमेय संख्या है तो ये इसका उल्टा सिद्ध हो जाएगी अपने आप कि ये क्या है, परिमेय संख्या ना होके क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यही तरीका सब में अपनाना होगा आपको। और मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर √2, √3, √5 और √7 इनको एक साथ आप सभी को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। एग्जाम के अंदर कोई भी आए, चाहे √2 आए √3 आए √5 आए या √7 आए, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का तो आप इजीली इनको सिद्ध कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जल्दी से बता देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा संभावना है अब की बार आने की। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना, यहाँ लिखना है इसका उल्टा कि माना 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ सिद्ध क्या करना है हमें, अपरिमेय संख्या। मैं मान क्या रहा हूँ, एक परिमेय संख्या। तो 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसी को मानते हैं इसका मतलब क्या है कि उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, अतः हम दो पूर्णांक a तथा b इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि 3 + 2√5 को लिखेंगे हम क्या, a/b के रूप में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि a और b क्या है, पूर्णांक है। और मैंने क्या माना है यहाँ, 3 + 2√5 क्या माना, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या वही होती है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी a/b के रूप में लिखे या p/q के रूप में लिख सकते हैं। p और q भी क्या है, पूर्णांक है। परिभाषा अक्सर हम p/q के रूप में याद करते हैं, परंतु यहाँ हम a और b का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो 3 + 2√5 बराबर लिखा मैंने a/b। एक आपको यहाँ थोड़ा ब्रैकेट लगा के लिखना होगा, बी है वो नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है। यानी बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो आपको a/b और ब्रैकेट लगा के लिखना है b≠0। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे √5 है तो √5 को इधर रखना है, बाकी सबको पक्षांतर करना है। अगर √2 दिखे तो √2 को इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको पक्षांतर करना है राइट हैंड साइड में। अगर 3 दिखे तो 3 रखना है, बाकी सबको पक्षांतर करना है राइट हैंड साइड में। बस यही तरीका है। अब यहाँ आपको दिख गया √5 जैसे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपके परिवर्तन होके आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 3 + 2√5 ही आपको पूछा जाए। यहाँ √5 की जगह √7 लिख सकता है, √3 लिख सकता है, कोई भी आए। तो आपको रटना नहीं है, समझना अच्छे ढंग से। देखिए √5 इधर रखेंगे कब, जब हम यहाँ इसको सबको पक्षांतर करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं 3 को पक्षांतर करता हूँ, तो 2√5 ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, अभी 3 को पक्षांतर करता हूँ इधर, तो बराबर a/b। ये जो 3 है वो पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। ये बेसिक आपको पता ही होगा कि जब भी कोई राशि पक्षांतर होती है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाती है या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आती है, तो सिंबल है वो चेंज होता है। ये प्लस था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस। आगे बढ़ते हैं, 2√5, ठीक है। ऐसा का ऐसा यहाँ पे देखिए a/b ये -3 है, तो इसको सरल करेंगे। आपको पता है कि भिन्न में से जब कोई पूर्णांक घटता है, यानी एक तरह से आपको लसअप लेके सरल करना पड़ेगा, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा हमारा बी, ठीक है। और b में b का भाग नहीं 1 आएगा, और 1 में 1 का गुणा a से करेंगे तो a ही आएगा,
माइनस, यहाँ तीन के नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा, और एक का भाग देंगे बी में तो क्या आएगा बी, और बी का गुणा जब तीन से करेंगे तो तीन बी। ओके, ये बेसिक वैसे आपको पता होगा कि बिंदुओं को कैसे कटाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, ये मैंने बेसिक वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आपको नहीं आता है तो उस वीडियो को देखना, ताकि ये जो बातें आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे हुआ है ये। ठीक है, लसफ लेके इसको सरल करते हैं। अब देखिए रूट फाइव को मैंने आपको बोला था कि इधर रखना है, तो देखिए रूट फाइव इधर आ जाएगा, बाकी को ये जो दो है वो रूट फाइव के साथ में गुणा में है, तो इसको नीचे भेजेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई गुणा में कोई राशि होती है आगे जाके भाग में चली जाती है। तो a माइनस तीन बी फट्टा, ये जो दो है वो नीचे आ जाएंगे b के साथ में, यानी दो बी हो जाएगा। ओके, अब देखिए रूट फाइव बराबर हमारे क्या आ रहा है, ये जो a है वो क्या है, पूर्णांक है। मैंने देखे लिखा है यहाँ कि अतः हम दो पूर्णांक ए तथा बी इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं कि, यानी ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ जहाँ ए और बी दिखना है वहाँ आपको पूर्णांक पूर्णांक लिखना है, तो ए के स्थान पर मैं पूर्णांक लिख रहा हूँ पूर्णांक, फिर माइनस ये तीन है ऐसा का ऐसा, फिर इंटू लिख दो, और बी है उसके स्थान पर लिखना है पूर्णांक, फिर बट्टा दो है और इंटू बी है तो वापस आ जाएगा पूर्णांक, यानी जहाँ जहाँ ए दिखे और जहाँ बी दिखे वहाँ आपको पूर्णांक पूर्णांक लिखना है। अब देखो रूट फाइव बराबर आ गया हमारा पूर्णांक माइनस तीन इंटू पूर्णांक बटा दो इंटू पूर्णांक। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि रूट फाइव जो आ रहा है वो पूर्णांक बटा पूर्णांक आ रहा है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक होता क्या है, परिमेय संख्या। रूट फाइव बराबर आ गया परिमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी ऐसी संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं या ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं, वो सब क्या होती है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पूर्णांक और नीचे भी अंश और हर दोनों में पूर्णांक पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या यहाँ आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि रूट फाइव है, रूट टू है, रूट थ्री है और रूट सेवन है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना है, मैंने जो माना था ये वो हमारे गलत हो गया, यानी जो हमारी कल्पना है वो असत्य सिद्ध हो रही है। मैंने जो माना था तीन प्लस दो रूट फाइव एक परिमेय संख्या, वो सिद्ध हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जो भी ये व्यंजक है तीन प्लस दो रूट फाइव एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखना क्या है आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा परंतु हम जानते हैं कि रूट फाइव एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कल्पना है, हमने जो माना था वो गलत साबित हुआ। अतः हमारी कल्पना असत्य है, और जो भी व्यंजक है वो लिख लो तीन प्लस दो रूट फाइव। ठीक है, जो व्यंजक क्या है हमारे पास में, तीन प्लस दो रूट फाइव, ये क्या सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम हमारी जो कल्पना है वो असत्य है, और तीन प्लस दो रूट पाँच एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस ढंग से आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको लिख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही तरीका है सब में आपको लिखने का, और बहुत ही सरल है। अगर आप इसको दो तीन बार आप देखेंगे तो आराम से इस क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर।